ओके अपना आज लास्ट डेट है, तो आज लास्ट डेट में अपन एक या फिर दो प्रोजेक्ट अपन बना लेंगे, जिसमें अपना पहला प्रोजेक्ट है अपना ड्राइंग ऐप, ठीक है। तो इसके लिए अपन एक फोल्डर बना लेते अपने लिए, ठीक है। न्यू फोल्डर प्रोजेक्ट, फिर मैं इसको लिख ही देता हूँ, ड्राइंग VRAW द ड्राइंग ऐप। ओके, सो इसके अंदर अब हमेशा जैसे अपन index.html फाइल बनाते हैं वो क्रिएट करेंगे, एंड देन जो अपना बॉयलर क्रिएट होता है HTML का बाई यूजिंग एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन एंटर, अपना बॉयलर प्लेट क्रिएट हो जाएगा अपना HTML का, ठीक है। और अपन टाइटल चेंज करके अपना डाल देते हैं इसको ड्राइंग ऐप, DRAW ड्राइंग ऐप। अपन इसको लाइव सर्वर पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन इन लाइव सर्वर, तो आपको दिख जाएगा कि लाइक जो भी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको अपन इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं ताकि अपन जो भी चीज़ कुछ एरर्स आती है तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बाकी के जो बचे हुए हैं अपन एक style.css ऐड कर देंगे, style.css, एंड एक और अपना स्क्रिप्ट .js, ठीक है। अपन दोनों जो अपने बनाया है style.css और script.css, अपन इसको अपने HTML से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अपने स्टाइल को ऐड करने के लिए अपन लिंक वाला यूज़ करते हैं, लिंक टैग, एंड HREF में अपना जो स्टाइल शीट का नाम है वो style.css। अपन बॉडी के एंड में अपन स्क्रिप्ट .src जो अपने फाइल का नाम है वो, ठीक है। चेक करने के लिए आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, यहाँ पर आप छोटा सा कंसोल लिख सकते हो, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ वैल्यू डालना है जस्ट प्रिंट करने के लिए, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, मतलब आपका JS वर्क कर रहा है, ठीक है। ऊपर आ जाएंगे अपने ड्राइंग ऐप पे, तो यहाँ पे आपको ड्राइंग ऐप बनाने के लिए सबसे पहले कुछ टैग्स यूज़ करने रहते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला टैग नाम है, उसका नाम है कैनवास, ठीक है। कैनवास से होता है कि आपको छोटा सा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, देखो बताता हूँ क्या कैसे होता है ये वर्क, ठीक है। तो अपने कैनवास बनाया, इसके अंदर अपन सबसे पहले एक, चलो कैनवास छोड़ो, है ना, सॉरी, कैनवास बनाया अपन ने। अपन यहाँ पे एक डिव बना लेंगे, डिव को अपन देते हैं क्लास एक टूल बॉक्स, ठीक है। अपने क्लास दिया टूल बॉक्स, इसके अंदर अपन एक बटन बना देते हैं। बटन बेसिकली क्या होगा, इसका जो साइज रहेगा, ठीक है, वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जैसे आपका पैन का साइज होता है ना कि आपको कितना रखना है पैन का साइज, तो अपन उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए अपन बटन का साइज रख देंगे, जिससे अपन सिर्फ एक नॉर्मली माइनस डाल रहे हैं, ठीक है, ये डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद अपन एक पैन रखेंगे, पैन के अंदर अपन लिखेंगे जैसे कुछ भी चीज़ आपका बाई डिफॉल्ट जो भी आपका नंबर रखना हो, जैसे मैं बाई डिफॉल्ट अभी 10 डाल देता हूँ, ठीक है, शो कर रहा है ना। और अपन एक प्लस का बटन बना लेंगे, जैसे अपन ने ऊपर माइनस का बनाया वैसे अपन एक प्लस के लिए बना लेंगे, या फिर अपन प्लस वाला ऊपर रख लो या फिर नीचे रख लो, जो भी आपको जहाँ रखना है वैसे आप रख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आपका एक इनपुट रहेगा, लाइक आपको कुछ इनपुट रहेगा जिसमें अपन कलर डालेंगे, ठीक है, जिसका आपका टाइप रहेगा कलर, पे कलर पिकर आ जाएगा, जो भी आपको कलर पिक करना है यहाँ पे, ठीक है। और एक होगा आपका बटन, जिसमें आपको जो भी आपने ड्रॉ किया वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर लिख देता हूँ, इसमें CLEAR क्लियर, ठीक है। अपन क्या कहते हैं, इसमें सबको क्लास नेम देते हैं ताकि अपन फिगर आउट कर सकें, जब अभी अपन CSS ऐड करें इसमें तो ईजिली अपन CSS ऐड कर सकें। तो मैं इसको देता हूँ कैनवास, क्योंकि कैनवास ही अपना, ठीक है। और इसी का अपना जो भी रहेगा ड्रॉ करने वाला वो सारा इसी के अंदर यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। इसकी अपन विथ थोड़ा देते हैं, विथ मैं देता हूँ इसको समथिंग अराउंड 1000, ठीक है, और इसको हाइट देता हूँ समथिंग अराउंड, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, हाँ ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो इसको अपन करके 800 देते हैं, और इसको ओपन करके 800 देते हैं। आई थिंक सो स्टिल ये अभी बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये 100% पे आपको इतना दिखा रहा है ना। तो इसको अपन और चेंज करके इसको 500
और इसको भी 500 डाल देते हैं, ठीक है, लाइक या अब अच्छा दिख रहा है ये। ओके सो अपन इसको हाइट ऑफ वेट दे दी कैनवास को, ठीक है, और फिर अपन ने किसको नाम नहीं दिया, अपन ने इस बटन को नाम नहीं दिया जिसका नाम होगा पास में, अपन इसको इंक्रीज, अभी डिक्रीज चलाना है तो डिक्रीज से माइनस लगा, डिक्रीज कर देंगे, DECRESE डिक्रीज, ठीक है, और द सेम अपन इंक्रीमेंट के लिए अपन इंक्रीज वाला डाल देंगे, INCREASE इंक्रीज, ठीक है, और अपन ने स्पैन को कोई आईडी नहीं दिए तो अपन इसको स्पैन में आईडी देते हैं, इसका जो भी साइज है, ठीक है, जैसे 10 साइज है तो 10 अपन दे देंगे, है ना, ये 20 साइज है तो 20 हो जाएगा, और किसी को आईडी नहीं दी क्या इस वाले बटन को, है ना, क्लियर, तो अपन इसको आईडी देते हैं क्लियर नाम की, गॉट इट। अब ये सब हो गया आपका एचटीएमएल वाला पार्ट, अपन अब आ जाते हैं थोड़ा सा स्टाइलिंग के लिए सीएसएस में, ठीक है, तो इसको बंद करते हैं, स्टाइलिंग को अपन साइड में रखते हैं, ठीक है, ताकि अपन को दिखता रहे अपन किसको करना है, तो अपन सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, अपन यूनिवर्सल सेलेक्ट है, और जो भी आपकी पैडिंग है इसको अपन ज़ीरो करते हैं, ठीक है, मार्जिन ज़ीरो, ठीक है, इससे होगा ये कि जो भी आपका एडिशनल जो पैडिंग और मार्जिन आ रही हो सारी जीरो हो जाएगी, ठीक है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, इतना आपको हमेशा करना रहता है जब भी आप कोई से प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, इसके बाद अपन सबसे पहले सीएसएस देंगे बॉडी में, ठीक है, कि इसका जो बॉडी है किस टाइप से होना चाहिए, तो बॉडी का अपन चाहो तो बैकग्राउंड कलर चेंज करना तो आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, अभी वाइट है ना, तो अपन इसको चेंज करके डाल देते हैं F5 F5 F5, तो कुछ वाइट जैसे ही है पर थोड़ा सा वाइट से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, अपन ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन जब पैन यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ कलर वाइट का भी आता है तो वाइट ना आए ताकि, है ना, और इसमें अपन डाल देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, और इसमें आप फ्लेक्स डायरेक्शन डाल सकते हो कॉलम, ठीक है, और इसमें आप अलाइन आइटम जो भी अपना वो आ जाएगा सेंटर, ओके, और इसके अलावा जस्टिफाई कंटेंट भी आप सेंटर डाल दो, एंड देन इसकी हाइट आप चेंज करके आप डाल सकते हो 100 VH व्यू हाइट, ठीक है, हो गया, ये जो भी आपका कंटेंट है सेंटर में आ गया, ओके, और जो भी आपका व्यू पोर्ट है पूरा मतलब दिख रहा होगा आपको, मतलब पूरा ये यहाँ से देखें यहाँ तक आपका पूरा व्यू पोर्ट है जितना उतना आपका हो गया, ठीक है, तो अपने बॉडी के लिए था, और फिर अपन आ जाते हैं कैनवा पे, कैनवास पे, ठीक है, कैनवास पे अपन ने को डालना है बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर डालने से होगा ये कि अपन को पता लग जाए कि अपना जो कैनवास का एरिया हो कितना है, ठीक है, तो मैं इसमें 2 पिक्सल डाल देता हूँ सॉलिड, और मैं इसको कुछ भी डाल सकते हो आप, ब्लू येलो ग्रीन कुछ भी डाल दो, तो मैं भी इसको डाल रहा हूँ स्टील ब्लू, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये आपको एक छोटा सा एरिया बना के दे दिया, ये आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही बॉर्डर छोटा है तो अपन इसको चेंज करके फोर कर लेते हैं, ठीक है, ओके, ये आपका हो जाएगा कैमरा का बॉर्डर, इसके बाद अपन आएंगे येलो डिव पर, ठीक है, टूल बॉक्स पे, क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्लास लिया तो अपन इसको डॉट से यूज़ करेंगे, डॉट टूल बॉक्स, और इसके अंदर आप बैकग्राउंड कलर डाल दो कुछ स्टील ब्लू डाल दो, है ना, जो अपन ने ऊपर लिया है, ताकि दोनों का मैचिंग अच्छा रहेगा, ठीक है, चेंज हो गया क्या स्टील, हाँ सिलेक्ट कर दिया अपन ने STWL स्टील ब्लू, ठीक है, ये हो गया आपका स्टील ब्लू, और फिर इसमें आप बॉर्डर डाल सकते हो सेम 1 पिक्सल, या फिर जो भी आपको 2 पिक्सल लाना 2 पिक्सल डाल दो, 2 पिक्सल सॉलिड और स्टील ब्लू, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड हो गई ये, ओके, आपको डालना है यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स,
जो भी कंटेंट है यहाँ पे इसको आप अरेंज कर सकते अच्छे से, है ना। इसमें डाल देंगे विथ जो कि रहेगी आपकी, कुछ भी डाल दो 500, सर रखा था 500 रखा था ना मैंने। हाँ थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है तो अपन इसको 4 ही डाल देंगे। नहीं आया 5 डाल देते हैं। चलो अपन इसको, नहीं आया मतलब 2 में ही काम बन जाएगा। ठीक है अपना विथ हो गया 500 पिक्सल और अपन यहाँ पे ही हो गया 500। इसको अपन चेंज करके डाल देते 489, 496 पिक्सल। ठीक है तो यहाँ पे आपका 2 पिक्सल राइट से 2 पिक्सल यहाँ से, तो आपका टोटल 500 हो जाना चाहिए। 500 500। ओके वेल 400 500 रहने दो इसको। ये हो जाएगा आपका 506। ठीक है हो गया, लगभग सेम ही है, हो गया सेम। ठीक है और फिर इसके बाद आप इसमें पैडिंग दे सकते हो, इसको रखना हो तो पैडिंग हो जाएगी आपकी। यहाँ पे कितने डाले अपन पैडिंग, इसमें 1 RM डाल देते हैं। ठीक है 1 RM ज़्यादा हो जाएगा तो अपन इसको डाल देंगे 12 पिक्सल, 12 पिक्सल भी ज़्यादा है 10 कर देंगे। ठीक है और फिर अपन आ जाते हैं इसमें टूल बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट अपन है ना, तो उसको एक्सेस करने के लिए अपन डाल देते हैं टूल बॉक्स। टूल बॉक्स इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है ना उन सब के लिए अपन यूज करेंगे बैकग्राउंड कलर FFF। ठीक है हो गया ना सबके लिए, हाँ बटन के लिए सबके लिए हो गया। और फिर आप इसमें जो बॉर्डर है इसकी वो आप नन कर दो, ताकि इसकी बॉर्डर सारी नन हो जाएगी। ओके और इसके बाद आप डिस्प्ले लाइन फ्लेक्स कर दो इसको, लाइन फ्लेक्स। और यहाँ पे फिर आपको अलाइन आइटम करना है सेंटर, सॉरी हाँ सेंटर करना है आपको। और फिर यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन फोन साइज आपको चेंज करना हो तो चेंज करके आप चाहो तो आपके हिसाब से डाल सकते हो। मैं इसको 2 RM डाल देता हूँ। ओके 2 RM ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 RM। ठीक है एंड देन आप इसकी हाइट डाल सकते हो 8 0.25 RM, छोटा हो जाएगा। ठीक है ज़्यादा छोटा हो जाएगा ये, तो अपन इसको डाल देते हैं 50 पिक्सल। ठीक है हाँ बड़े लग रहा है, इससे अपन विड्थ डाल देंगे 50 पिक्सल, WIDTH विथ 50 पिक्सल। ओके और यहाँ पे हो जाएगा इसका पैडिंग, पैडिंग डाल देता हूँ मैं 0.25 RM। ठीक है और अपन ने इसको थोड़ा सा गलती कर दी है यहाँ पे, क्लियर ना क्लियर की जगह अपन काम करते एक्स देते हैं। ठीक है और पैडिंग हो गया आपका, पैडिंग के बाद अपन इस पे कर्सर पॉइंटर डालते हैं ताकि अपन जब भी कर्सर ले जाए तो ये पॉइंटर टाइप का दिखाई दे आपको। ठीक है मार्जिन नहीं डाली अपने, मार्जिन में डाल देते अपन, मार्जिन इसमें जाएगी 0.25। ठीक है अब थोड़ा सी दिख रहा है, बढ़िया ऑसम।
हो गया आपका, और फिर इसके बाद अपन जाएंगे टूल बॉक्स के अंदर, जितने भी अपने हैं टूल बॉक्स, और फिर इसके अंदर लास्ट एलिमेंट जो है अपना, ठीक है, लास्ट चाइल्ड को अपन डाल देते हैं, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, ताकि ये जो है आपका सेंटर में आ जाए, एक साइड आ जाए, ठीक है। आप चाहो तो क्लियर लिखना तो क्लियर भी लिख सकते हो, क्लियर, ओके। तो क्लियर पूरा नहीं आ रहा आपका, और इसमें आप चेंज कर सकते हो इसकी विथ, आप 50 डाली थी, आप इसको चाहो तो 100 डाल सकते हो, 100 पिक्सल, तो ये आपका क्लियर बटन भी अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। और आप चाहते हो कि होवर करने पे इसका कलर चेंज हो जाए, तो सेम चीज अपन होवर के लिए डाल सकते हैं, जो भी यार होवर करने पे नहीं वर्क कर रहा है इसमें, ठीक है। तो होवर करने के लिए अपन नहीं कर रहे अभी, ठीक है, इतना हो गया। और आप चाहते हो कि इस पर कुछ भी चीज अपन ड्रॉ करें तो वो होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अपन जेएस यूज करेंगे, तो जेएस में अपन को कुछ एलिमेंट्स लाने होंगे, तो मैं भी HTML वाला, और सॉरी CSS वाला पार्ट हटा के जेएस वाला पार्ट जाता है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे लाना है कैनवास, CONST कॉन्स्ट कैनवास, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना है। कैनवास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ओके, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्लास नेम क्या था अपना कैनवास, ठीक है, हो गया, ओके। ऐसे कैसे अपन इंक्रीज बटन जो है अपना वो भी लेंगे, जिसके लिए अपन ने इंक्रीज लिख के रखा है, तो इसको अपन सेम इंक्रीज के थ्रू लेंगे, इंक्रीज दैट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास यूज करा अपन ने, तो क्लास यूज करेंगे अपन इसमें भी क्लास नेम, और क्लास नेम का जो नेम था अपना इंक्रीज वो करेंगे, ठीक है। सेम चीज अपन डिक्रीज के लिए करेंगे, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, ठीक है। और अपने साइज नहीं करा ना, साइज के लिए कुछ करा, हाँ साइज ये रहा, साइज के लिए भी कर लेंगे कॉन्स्ट साइज दैट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, ये आईडी है ना, तो अपन को आईडी के थ्रू करना पड़ेगा, और यहाँ पे साइज, ठीक है। और इतना हो गया, उसके बाद अपन एक, जैसे अपन ने यहाँ पे 10 लिया है, आप चाहो तो कुछ भी चीज ले सकते हो, ठीक है। तो लेट 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 साइज, साइज नहीं लेते इसको, लेट कर लेते अपन टेक्स्ट, या फिर अपना लेट साइज डिफॉल्ट डीएलएफ, ठीक है, अपन लेते हैं इसकी साइज डिफॉल्ट, सपोज डेट अपन 5 ले लेते हैं, ठीक है। और फिर अपन को लेट इज इन इस, यदि अपन कुछ भी प्रेस करें इस पे तो ये फॉल्स हो जाना चाहिए, और अपने कलर में नहीं लिया क्या, कलर में अपन टाइप कलर लिया है, पर अपन ने इसको कुछ आईडी नहीं दी, तो अपन इसको आईडी भी दे देते हैं, आईडी कलर, ठीक है। और इस अपन कलर को भी यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, अपन कलर को भी ले आते हैं यहाँ पे कॉस्ट कलर डेट इज इक्वल्स टू, अपन कलर यूज नहीं कर रहे ना, कलर एलिमेंट यूज कर रहे हैं, क्योंकि कलर इसमें बाय डिफॉल्ट आपका, जैसे अपन डॉक्यूमेंट नेम से अपन कोई सा भी नहीं बना सकते, अपन कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अपना जो रिजर्व कीवर्ड है डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रिजर्व कीवर्ड है अपना, तो वैसे ही अपना
जो ये है, क्या बोलते हैं, कलर है वो ऑलरेडी आपका रिजर्व कीवर्ड है, तो अपन उसके नेम से नहीं बनेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास आईडी, ठीक है, और जो अपना ये है साइज वो अपन लेंगे, कलर सॉरी नेम जो अपना कलर इनपुट कर लेंगे, ठीक है। अपने यहाँ पे स्प्रेस्ड फॉल्स किया, ठीक है, और अपने साइज दिया है, साइज अपना ये हो गया, अपने डिफॉल्ट साइज रख दिया 5। और इसके अलावा अपन कलर एलिमेंट में क्या करेंगे, चेंज करेंगे कलर एलिमेंट, अपन क्या करेंगे इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू अपन कर देंगे ब्लैक, वैल्यू ये हो जाएगी अपनी ब्लैक, ठीक है। ये एक्चुअली पैन का कलर है, ठीक है, और इसमें अपन क्या करेंगे, एक बना लेते अपन कलर एलिमेंट बनाया तो अपन कलर के नाम से बना लेते एक, ठीक है, कलर एडिट कर लेते हैं, कलर एडिट दैट इज इक्वल्स टू कलर एलिमेंट, और इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, अपन ये ले लेते हैं, इसके अंदर अपना जो कलर वैल्यू है ये आ जाएगी, मतलब अपना जो ब्लैक है अपना कलर एडिट में आ गया, ठीक है। और अपन लेट एक्स और एक लेट वाई भी कर लेते हैं, दो एलिमेंट बना लेते हैं अपन, लेट एक्स और एक लेट सॉरी लेट वाई, ठीक है। चेंजेस हुआ इसमें यूआई में? कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अब जैसे अपना माउस अपन कुछ भी चीज करेंगे तो वो जो है ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए कैनवास, ठीक है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे कैनवास ही लिया है, तो कैनवास लेंगे अपन, कैनवास इसमें अपन एड इवेंट लिस्ट लगाएंगे, एड जरा एड इवेंट लिसनर, जिसमें आएगा आपका चेहरा शो कर रहा है, आई थिंक सो, ठीक कह रहा है, इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अपना माउस डाउन पे अपना हो जाना चाहिए एक फंक्शन बन, तो फंक्शन में अपन ने एक ई की वैल्यू डाल दी, क्योंकि अपन को यहाँ पे वैल्यू चाहिए है, जैसे अपन यहाँ पे वैल्यू डाले हैं तो अपन ये ई के थ्रू ला पाएंगे, ठीक है। अपन एक फंक्शन बनाया, अभी भी कह रहा है इट्स नॉट अ फंक्शन, 15:08, ऐसा क्यों? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, कैनवास 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 कैनवास, ठीक है। एड इवेंट LIST LIST NER ENER, ठीक है, चलो देखते हैं, यदि अपने कोई सा भी प्रेस किया कि तो ये अपना ट्रू हो जाना चाहिए, ठीक है, हो गया अपना। और फिर इसके बाद अपना जो एक्स एक्सिस पे है इसका अपना ई डॉट ऑफसेट, ऑफसेट मतलब जहाँ पे आप ले जा रहे हो आपका माउस, ठीक है, वो हो जाना चाहिए अपना एक्स सॉरी ऑफसेट एक्स हो जाना चाहिए अपना ई डॉट उसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, ठीक है। वैसे सेम अपन वाई के लिए कर लेंगे, वाई इक्वल्स टू ई डॉट आपका ऑफसेट ऑफ वाई, ठीक है। सेम चीज अपन करेंगे, ये माउस डाउन के लिए हो गया, सेम चीज अपन करेंगे अप के लिए, ठीक है। जगह आपका यहाँ पे माउस अप, बस आपको चेंजेस इसमें इतना ये करना है कि आपका जो है यहाँ पे अनडिफाइंड और यहाँ पे भी आपको अनडिफाइन करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट आएगा क्योंकि अपन को डॉक्यूमेंट के अंदर करना है, ओके। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका माउस अप हो गया, माउस डाउन हो गया, और फिर इसके अलावा आपको इको कैनवास में ऐड करना पड़ेगा, कैनवास, और इसमें आपको एड इवेंट लिस्ट में फिर से लगाना है, वेट सेकेंड, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपका माउस, वैसे माउस मूव पे आपको वर्क कराना है, एक इवेंट लिस्ट में लगाना है,
जिसमें आप ई की वैल्यू लोगे, पी डॉट ई हो गया, ये एक अपना फंक्शन टाइप का, तो फंक्शन बनाएंगे और इसके अंदर अपना आएगा इफ, यदि आपने जो प्रेस किया है इस प्रेस, ठीक है, यदि प्रेस किया आपने और फिर मूव करा रहे हो, ठीक है, तो फिर वो ड्रॉ होते जाना चाहिए, ठीक है। तो अपने यहाँ पे डाल देंगे कॉन्स्ट, डाल दो एक एक्स्ट्रा नाम से बना लिया अपने, जिस पे अपना यहीं से कॉपी कर लेता हूँ मैं, बी वाला सेम चीज अपने चाहिए, कॉपी का ऑप्शन नहीं है क्या, कॉपी पेस्ट। ये अपना ई रोड ऑफसेट हो जाएगा और यहाँ पे आपका y2 कॉन्स्ट y2 इक्वल्स टू ई रोड ऑफसेट ऑफ y, ठीक है, इतना हो गया अपना। अपन को कहना है यहाँ पे अपन ने वैल्यू तो ले लिया पर अपन को अब प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे ड्रॉ सर्कल, काम करते हैं अपन ड्रॉ सर्कल के नाम से पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे। तो फंक्शन बनाया अपन ने एक फंक्शन ड्रॉ सर्कल या फिर ड्रॉ आर्ट कर देते इसको अपन, ड्रॉ आर्ट, ठीक है, और यही चीज अपन ने यूज कर लेंगे ड्रॉ आर्ट, ठीक है। यहाँ पे अपन दो वैल्यू लेंगे जो कि अपने एक पहली रहेगी एक्स और पहली रहेगी अपनी दूसरी रहेगी वाई, ठीक है, और फिर अपन यहाँ पे वैल्यू के थ्रू अपन प्रिंट कराएंगे, ठीक है। CTX डॉट बिगिन पाथ, सॉरी CTX डॉट बिगिन पाथ, एक टाइप का फंक्शन होता है इनबिल्ट इसके अंदर ही रहता है, जिसके थ्रू अपन कोऑर्डिनेट्स को अपन प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। CTX ARC आपका एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस कॉमा साइज कॉमा 0 कॉमा मैथ डॉट MATH मैथ डॉट PI इंटू 2, ठीक है। CTX डॉट प्ले स्टाइल, ये आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं, इसमें आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप इसको गूगल कर सकते हो, ठीक है। इक्वल्स टू कलर, ठीक है, जो भी आपका कलर रहेगा वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, जो भी आपने चूज करा कलर, ठीक है। अपन ने कलर नहीं लिया है, अपन ने लिया है कलर एलिमेंट और अपना यहाँ पे कलर एडिट है ना, तो अपन यूज करेंगे कलर एडिट, अपन जिस कलर से एडिट कर रहे हैं सॉरी, ठीक है। तो इतना हो जाएगा अपना CTX डॉट फिल, फिल नाम का अपन एक फंक्शन बना देंगे, ठीक है, अपन को फिल करना है, ठीक है। तो अपना ड्रॉ सर्कल हो गया ये, और यहाँ पे फिर अपन एक को फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन यहाँ पे अपन ड्रॉ आउट बनाया था, डॉट को कंप्लीट कर लेते अपन, ठीक है। ड्रॉ आउट में अपना जा रहा है x2 कॉमा y2, ठीक है। अपन यहाँ पे एक और बनाएंगे जिसमें अपन लिखेंगे ड्रॉ लाइन, ठीक है, यहाँ पे अपने पास चार कोऑर्डिनेट जाएंगे x2 y2, ठीक है। एक अपन ड्रॉ लाइन के नाम से फंक्शन बना लेते हैं, जिसमें आप चार वैल्यू लोगे, यहाँ पे आप x1 y1 x2 y2, ये अपन कुछ भी चीज ले सकते अपने हिसाब से, ठीक है। ओके, इतना हो गया आपका। इसके बाद आपको यहाँ पे CDX डॉट सेम चीज जैसे पहले किया था, बिगिन पाथ बिगिन पाथ, CTX डॉट मूव टू, करना x1 से y1 तक, ओके,
इन सेम चीज अपन को मूव टू, अपन को एक्स टू से वाई टू तक करना है, ठीक है, एक्स टू से वाई टू तक, ठीक है। अपन यहाँ पे ड्रॉ लाइन बनाया, अपन को यहाँ पे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका नाम है टू लाइन, ठीक है। मूव हो गया आपका, बिगिन हो गया आपका, मूव हो गया, अब यहाँ पे आपका आएगा टू लाइन, थ्री लाइन टू, लाइन टू, ठीक है। और फिर इसके अलावा यहाँ पे आएगा सी पी एक्स डॉट स्ट्रोक स्टाइल, यहाँ पे आपने जो कलर डाला था, आपने कलर का नाम क्या डाला था यहाँ पे, हाँ कलर एडिट, तो आपको इसको करना है कलर एडिट के, एंड देन सी टी एक्स डॉट लाइन विथ, ये आपका हो जाएगा साइज इंटू टू, जो भी आपको साइज है, साइज ही दिया ना अपन ने, कितना लिया साइज, हाँ साइज इंटू टू, ठीक है। इस CTX क्या CTX सी टी एक्स क्या है? सी टी एक्स अपना क्या बोलते हैं इसको, सी टी एक्स को, हाँ मतलब ये होता है आपका कुछ कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट वगैरह नहीं होता है, पता है क्या होता है सी टी एक्स का मतलब होता है आपका कैनवास, जब हाँ कॉन्टेक्स्ट ही होता है, पर अपन कैनवास जब भी अपन यूज करते हैं ना कैनवास इस टाइप का, तो अपने इसमें एक सी टी एक्स यूज करते हैं, सी टी एक्स को कॉन्टेक्स्ट ही बोलते हैं, शॉर्ट ऑफ सी टी एक्स, कॉन्टेक्स्ट से शॉर्ट फॉर्म ही होता है सी टी एक्स, ठीक है ना। ये ग्राफिक्स टाइप का कुछ यूज होता है इसमें, है ना, अपन कोई भी चीज मूवमेंट कराते हैं या फिर कुछ भी चीज क्रिएट करते हैं तो सी टी एक्स के थ्रू अपन क्रिएट करते हैं, ठीक है। ओके ओके और किसी कोई डाउट? आगे बढ़े, पी डी एक्स डॉट स्ट्रोक एस टी आर ओ के ई बनाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ा सा है ना, ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही है, एफ यू एन सी टी एन फंक्शन, अपन डालेंगे अपडेट साइज, ठीक है। अपने एक अपडेट साइज का बनाया जिसमें अपन को साइज, साइज क्या था अपना, साइज डेफ, साइज अपन को ये वाला यूज करना है, साइज यहाँ पे अपन को साइज ये वाला यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। कुछ गलती कर दी मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं, ऊपर कहीं गलती करी मैंने, आई थिंक सो। ओके फ्रॉग स्टाइल का भी, ये स्टाइल का भी एस टी आर ओ के ई, सही तो लिखा है एस टी आर ओ के ई, ठीक है। फ्रॉग स्टाइल नहीं, मुझे साइज में दिक्कत आ रहा, मुझे लग रहा है साइज में ये वाला नहीं आएगा मेरा, साइज डेफ आएगा आई थिंक सो। और यहाँ पे अपना आएगा साइज एलिमेंट का जो था, साइज ही लिखना मैंने, क्या लिखा हुआ है, हाँ साइज, और यहाँ पे आपको डॉट इनर एच टी एम एल, सॉरी इनर टेक्स्ट देना है आपका साइज ऑफ एस साइज जेड ई ऑफ डेफ ना, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपका इंक्रीज होएगा साइज, ठीक है, तो अपन सॉरी अपन जब भी इंक्रीज पे क्लिक करेंगे ना, इंक्रीज वाला ये वाला इंक्रीज पे अपन यदि क्लिक करते हैं तो अपना यहाँ पे एक इवेंट कॉल होना चाहिए और अपना जो पैन का साइज है वो बड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इंक्रीज इंक्रीज डॉट एड इवेंट लिस्ट में, यहाँ पे जैसे अपन इंक्रीज पे क्लिक करें तो अपना पैन का साइज बढ़ाना चाहिए, और इस पर अपन एक फंक्शन बना लेते हैं
अपन ऐड इवेंट लगाते हैं, फंक्शन लाना पड़ेगा, और फंक्शन के अंदर अपन लिखेंगे कि जो भी इसका साइज है ना, अपना साइज डेफ, ठीक है, साइज डेफ अपन डाल रहे हैं, प्लस कर देंगे 2 से, ठीक है, ताकि उसका जो साइज है दो दो बढ़ता जाए, ठीक है, आप चाहो तो कितने भी बढ़ा सकते हो, कितने भी कम कर सकते हैं, ठीक है, और फिर अपना जो साइज डेफ है, ठीक है, साइज डेफ है आपका, यदि ये 50 से बड़ा आपने करा है ना, लाइक आप ज़्यादा, अपन इसमें लिमिट डाल रहे हैं 50 से, यदि आपने ज़्यादा बड़ा किया तो इसका जो साइज डेफ है, साइज डेफ ये आपको हो जाना चाहिए 50, मतलब ये 50 से ज़्यादा होएगा ही नहीं अब, ठीक है, करना आप अपडेट साइज, ठीक है, कॉल कर देना है, ऐसे केस अपन डिक्रीज के लिए बना देंगे, ठीक है, इसको अपन -2 कर देंगे, और यदि जो है ये 0 से छोटा हुआ या फिर 5 से छोटा हुआ है ना, 0 तो नहीं करेंगे अपन, 5 से छोटा हुआ तो इसको अपन साइज 5 ही रखेंगे, ठीक है, और अपन ने फिर से क्या करा, अपडेट साइज कर दिया है ना, फिर कलर की बारी आती है अपनी, कलर अपन ने किस नाम से दिया था, कलर ई एल, ठीक है, तो अपन कलर ई एल यूज़ करेंगे एलिमेंट, एंड इस पर अपन एड इवेंट लिस्ट लगाएंगे कि यदि कोई कलर चेंज करने की बारी चेंज करता है, ठीक है, जैसे ही चेंज होता है तो अपन यहाँ पे लगाएंगे चेंज, जैसे ही चेंज होएगा तो आपका एक फंक्शन कॉल होना चाहिए जिसमें अपन एक वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, ई ई नाम की, और इसमें अपन एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन बनाया अपन ने, ठीक है, और इसका अपना जो कलर है, क्या लिया था, कलर ही लिया था अपन ने, कलर एडिट लिया था, कलर एडिट किया था अपन ने, तो कलर एडिट को अपन चेंज करके, ठीक है, कलर एडिट को अपन चेंज करके क्या डालेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, ऐसी कैसी अपने पास आखिरी जो बचा हुआ वो अपना बचा हुआ क्लियर के लिए, अपने क्लियर को लाए थे यहाँ पे, क्लियर को नहीं लाए थे तो अपन क्लियर को भी लेंगे, कॉन्स्ट क्लियर एलिमेंट, ठीक है, डेट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ये क्या है अपना आईडी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आपका क्लियर, ठीक है, तो अपन क्लियर एलिमेंट लिया, तो क्लियर एलिमेंट अपन इसके लिए भी बना लेंगे एक सेम चीज, क्लियर एलिमेंट हो जाएगा अपना एड इवेंट लिस्टनर, इसमें अपन को करना है जैसे अपन इस पर क्लिक करें, ठीक है, तो अपन को इसमें तो कोई वैल्यू चाहिए नहीं तो इसको 0 कर देते हैं, जैसे हम इसे क्लिक करें तो इसका जो सी टी एक्स वैल्यू है, मतलब कॉन्टेक्स्ट वैल्यू है, ये अपना जो भी है कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी जो ड्रॉ किया है पूरा पूरा 0 हो जाना चाहिए, तो क्लियर डॉट आर ई सी टी अपना 0.0 डॉ कॉमा कैनवास डॉट विथ डब्ल्यू आई डी एच कॉमा कैनवास डॉट हाइट, ओके, होप इट विल वर्क नाउ, कैनवास डॉट एड इवेंट लिसनर ये फंक्शन नहीं है, कहाँ पे ये वाला एड इवेंट लिसनर नहीं बता रहा मुझे, कुछ गलती करी, कॉपी डबल एच डाल देते, ठीक है, इसे भी डबल एच डाल देते, और कहीं यूज करा अपने कैनवास, कैनवास सॉरी, ठीक है, अब वर्क कर रहा है, क्या लिखा है, इज नॉट ए फंक्शन, यार ये क्यों दिखा रहा है, ऐसा क्यों, इसको एक काम करते हैं अपन आईडी ही डाल देते हैं, एक बार आईडी डाल के देखें, गेट एलिमेंट बाय आईडी कैनवास, वर्क कर रहा है,
एक रिजॉर्ट एड इवेंट लिस्ट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, अपन इसको क्लास नेम दिया है इसलिए इसको भी आईडी देते हैं, इसको भी आईडी देते हैं, ठीक है। अपन आईडी बनाते सबको, अब काम कर रहे हैं। कहाँ हाँ डिक्रीज, ठीक है ओके। आपका पैन नहीं आया यहाँ पे अभी, है ना, तो पैन आपका पैन नहीं आया है, पैन नहीं आया अपना, तो पैन कुछ गलती करी अपन ने, देख लेते हैं शुरू से एक बार, ठीक है। कैनवास, हाँ कैनवास पे डाला था मैंने, हाँ ड्रॉ सर्कल कौन सा वाला, ये ड्रॉ लाइन ड्रॉ आर्ट ही तो है, हाँ डाल तो दिया मैंने, 100 बाइक की वीडियो अपडेट हो रही है। कौन सा लाइन बता मुझे, हाँ हाँ सही बोला तूने, ये अपना एक्स जो है वो एक्स टू के इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे वाई जो है अपना वाई टू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और वर्क कर रहा है, नहीं वर्क कर रहा है अभी, कुछ इश्यू है, अपन देख लेते क्या अपन ने कुछ छूट तो नहीं गया। अपन लिया एलिमेंट साइज कलर और क्लियर, ठीक है, अपने डिफॉल्ट साइज इसकी 5 ले ली, ठीक है। हाँ इसको 10 ही लूँ क्या मैं, डिफॉल्ट अपना ये हो जाएगा, प्रेस किया अपन ने तो फॉल्स इसक... क्या नहीं, हाँ सही बोला, ठीक है अपने सी टी एक्स लिया था ना, ऑलमोस्ट अपने सी टी एक्स नहीं लिया ना, तो सी टी एक्स अपन कैनवास डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट CONTEXT इसमें डाल देंगे 2D, ठीक है। अब वर्क अभी भी वर्क नहीं कर रही है, क्यों, गेट CONTEXT सही तो है, कलर को वैल्यू दे दी ना ब्लैक मैंने, कौन सा वेरिएबल ये बना हुआ था है, कलर वेरिएबल इसमें, एडिट वाला अपन ने यहाँ पे यूज किया एडिट और यहाँ पे यूज किया अपन ने एडिट, कलर नहीं हुआ है कहीं पे भी, कोई सी स्पेलिंग मिस्टेक, CHANGE सही है। कलर एडिट अपन यहाँ पे यूज किया इसको, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सही है, 00 कैनवास डॉट विथ कैनवास डॉट हाइट एग्जैक्टली, अपडेट साइज सही है सब, और क्या दिक्कत है, साइज डॉट कॉन्टेक्स्ट, हाँ साइज यहाँ पे आएगा ना, चेंज साइज टेप हो जा रहा है इसमें, क्या हो रहा है, सही तो है, CTX डॉट लाइन टू
मूव टू, बिगिन पाथ भी हो गया अपना, एक्स वन वाई वन ये भी हो गया, फॉर कलर एडिट, कलर एडिट डाला था मैंने। हाँ पॉज कर इसको, हाँ सब हो गया। पर ये वो एग्जिट नहीं हो रहा है, अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। माउस मूव, समझा, अच्छे से वर्क नहीं कर रही है माउस वाला। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे फॉल्स आएगा, ठीक है। ऐसे ही अपन क्लिक करते तब करना चाहिए माउस मूव, ठीक है। एड किया तो वर्क कर रहा है, कलर चेंज किया तो वर्क कर रहा है, ठीक है। क्लियर किया तो क्लियर भी हो रहा है, ये हो गया। पर इसमें छोटा सा दिक्कत ये आ रहा है कि ये बिगाड़ रहा है पिक्सल थोड़े से। हाँ यस, कहाँ दिक्कत हो सकती है अभी। इस प्रेस माउस डाउन, माउस अप, माउस डाउन में अपने डाल दिया प्रेस टू, ऑफसेट एक्स, ऑफसेट वाई, माउस अप, इवेंट डॉट लिस्ट, प्रेस फॉल्स, माउस मूव करने पे अपना हो जाएगा इस प्रेस वाई टू इक्वल्स टू ऑफसेट एक्स, ऑफसेट वाई, ड्रॉ आउट किया अपन ने एक्स टू वाई टू, ड्रॉ लाइन किया अपन ने एक्स वाई एक्स टू वाई टू, जिसको अपन इक्वल कर दिया। ड्रॉट में अपन ने दो चीज़ बना दी, बिगिन पाथ, आर्क बनाया अपन ने एक, एक्स वाई साइज, एग्जैक्टली साइज यहाँ पे डेव आएगा। हो गया सही का, हो गया ले। और यहाँ पे जो अपने इनटू रखा ना साइज के लिए, इसको हटा देंगे अपन, ठीक है। तो अच्छे से वर्क करेगा ये, आई वो श्योर नहीं कर रहा वर्क, ठीक है, इनटू टू ही रहने देते हैं। और यहाँ पे एक और जगह क्लिक करा हुआ था, ठीक है। 10 का इतना सही है, 12 का ये हो गया, हो गया ये। चल पता इसके बाद ओवरबोर्ड, ठीक है। कलर ई नेक्स्ट टाइम ऐड करने का ऑप्शन भी रखूंगा मैं, वो सेव करने का, कि जो बनाया सेव करने का ऑप्शन में डाल दो। चल ठीक है, ये फिक्स करने वाला रिकॉर्ड करना है तुझे कि काफी है, ठीक है। ओके सो अपन दूसरा एक को बना लेते हैं, ये तो अपना हो गया है, ठीक है। दूसरा कौन सा बनाना है अपन को, होवरबोर्ड, ठीक है। तो रिकॉर्ड कर ले अब, तो अपना जो सेकंड टॉपिक है आज का, जो सेकंड प्रोजेक्ट है वो अपना है होवरबोर्ड, ठीक है। तो अपन को इसमें करना ये है कि अपन जैसे जैसे होवर करेंगे वैसे वैसे इसका कलर आते जाएगा उस पर, और कुछ टाइम बाद वो चले जाएगा, ठीक है। तो अपना होवर बोर्ड है टॉपिक, इसके लिए अपन सेम चीज़ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बना लेंगे,
अपना बॉयलर प्लेट index.html, ठीक है। अपना बॉयलर प्लेट पता अपन कैसे बनता है, लाइक एक्सक्लेमेशन का मार्क एंड देन एंटर। अपन बॉयलर प्लेट बन गया, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अपन सबसे पहले इसका नेम चेंज करते हैं, ठीक है, टाइटल। तो अपन डाला होवर बोर्ड BOARD, ठीक है। अपन इसको लाइव सर्वर पे रन कर लेते हैं, लाइक किस टाइप से अपना प्रोग्राम दिख रहा है। ओके, लाइव सर्वर पे रन हो गया और आपने यहाँ पे देख सकते हो होवर बोर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कंसोल भी अपने ओपन कर लिया, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि इसके जो भी डिफॉल्ट पे हो सब हट जाए, ठीक है। अपन जैसा हमेशा करते हैं वैसा अपन एक style.css बना लेते हैं, और एक अपना स्क्रिप्ट .js, ठीक है। अपन दोनों चीज़ को अपने फाइल में ऐड कर लेंगे, मेन फाइल में HTML वाली style.css एंड देन अपना यहाँ पे मैंने स्टाइल कर दिया। तो अपन को स्क्रिप्ट करना है script.js, ठीक है। अपन को चेक करना है कि लाइक अपना js वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अपन देखेंगे कंसोल डॉट लॉग एंड देन एनीथिंग यू वांट, ठीक है। तो यहाँ 26 लिखा हुआ गया, लाइक अपना js वर्क कर रहा है फाइनली, ठीक है। इसको हटा देंगे अपन एंड देन अपन को होवर बोर्ड बनाना है। तो सबसे पहले इसके लिए अपन को एक डिव क्रिएट करना होगा, डिव जिसका अपन क्लास रखेंगे क्लास नेम कंटेनर CONTAINER कंटेनर, ठीक है। एंड सेम अपन इसको आईडी पे रखेंगे कंटेनर एंड देन इसके नीचे इतना ही करना अपन को, ठीक है। और अपना अब जो मेन काम है वो अपना है CSS में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को एक कॉन्स्ट लिखना है, कॉन्स्ट अपना कंटेनर, ठीक है, कंटेनर दैट इज इक्वल टू, ठीक है, हो रहा है, हाँ चलो कंटेनर डिफॉल्ट है तो अपन इसको चेंज करके कंटेन कर देते हैं, ठीक है। हाँ कंटेनर जो था कीवर्ड था एक, तो कीवर्ड और अपन यूज़ नहीं कर सकते कीवर्ड को, ठीक है। इसको अपन कंटेन ही कर देते हैं CONTAINER। ये गलत है, अपन CSS में नहीं कर रहे, अपन जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं, इससे दिक्कत थी, ठीक है। कंटेनर भी वर्क कर जाता आपका, ठीक है, सॉरी। तो अपन पहले CSS में कर लेते हैं, ओके। तो CSS अपन इसको लेते हैं साइड में और स्क्रिप्ट को भी ले आते हैं अपन साइड में, पहले अपन CSS से वर्क कर लेते हैं, ठीक है। तो CSS में अपन ने सबसे पहले आपको पता अपन क्या करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर एंड देन अपना पैडिंग 0, मार्जिन 0, मार्जिन margin मार्जिन आपका 0, ठीक है। और आपका बॉक्स साइजिंग हो जाएगा आपका बॉर्डर बॉक्स, जितना आपको हमेशा करना रहता है। सबसे पहले अपन लेंगे बॉडी, बॉडी के अंदर आपको जो भी चीज़ चेंज करना है, लाइक आपका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कुछ अच्छा सा लुक डालना है तो आप डाल सकते हो। इसका अपन डालेंगे बैकग्राउंड कलर फिश वनून जो आपका होता है ब्लैक का, ठीक है, कुछ चेंज नहीं है अच्छा, क्योंकि अपन ने 2 ही डिजिट लिखी ब्लैक हो गया, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, है ना, तो ज़्यादा बेटर लगेगा। ये अपना 150 भी चल रहा है, इसको अपन 100 भी कर लेते हैं। यहाँ पे अपन को डालना है डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्स हो गया आपका डिस्प्ले फ्लेक्स एंड देन यहाँ पे आपको अलाइन आइटम सेंटर, ओके, और यहाँ पे आपको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन यहाँ पे आपको हाइट डालनी है 100 व्यू हाइट, ठीक है। और आपको जो ओवरफ्लो है वो आपको हिडन होना चाहिए यहाँ पे, कुछ यदि एक्स्ट्रा जा रहा है तो वो हेड हो जाना चाहिए, ठीक है, हो गया। एंड देन आपका बारी आती है कंटेनर की, ठीक है। कंटेनर अपन लेंगे, ये अपन ने क्लास के थ्रू लेंगे सो कंटेनर को, ठीक है। तो अपने डॉट लगा कंटेनर, लाइक आप आईडी से भी ले सकते हो, दोनों चीज का सेम वर्क है, अपने दोनों चीज़ लेकर रखे सेम नेम से फ्लेक्स, अभी तो कुछ शो नहीं कर रहा अपन को, ठीक है।
डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। इसके बाद अपन सेम थी अलाइन आइटम सेंटर दोनों चीज लेंगे। ओके जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पर जाएगा फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप ये हो जाएगा अपना रैप, ठीक है। और अपन मैक्सिमम विथ डाल देते हैं इसको 400 पिक्सल, ताकि 400 पिक्सल से ये बाहर ना जा पाए। ठीक है, कुछ चेंजेस हुआ इसमें? नहीं हुआ, ऑसम। चलो अपन को इसमें क्या करना है, छोटे छोटे स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। स्क्वायर बनाने से पहले अपन स्क्वायर को स्टाइलिंग देने से पहले अपन स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन को उस पर एक कॉन्स्ट आपका जो कंटेनर है इसको अपन यूज़ करेंगे, लाइक यहाँ पे वर्क कर गया, ठीक है। ये अपना क्या है, डॉक्यूमेंट UCUMN डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, अपन इसको लेंगे आईडी के थ्रू, है ना। आईडी वेट अ सेकंड, आईडी हो गया, आईडी के अपने पास कंटेनर, ठीक है। अपन लेंगे यहाँ पे, अपन कुछ भूल गए क्या यहाँ पे बनाना? नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अपन यहाँ पे लेंगे कॉन्स्ट, सॉरी कलर्स ले लेंगे अपन, आपको जो इच्छा हो कलर डाल सकते हो, ठीक है। मैं कुछ स्पेसिफिक मेरे कलर हैं जो मुझे पसंद आते हैं तो वो लिख ले रहा हूँ मैं, रॉयल ब्लू। दूसरा मेरे पास और पिंक, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा कलर्स का तो आप सिंपली यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ पे आप कलर लिखो और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कौन कौन से कलर्स होते हैं। यहाँ मुझे रेड पसंद आता है एक, ठीक है, तो मैं रेड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे एक रेड भी डाल देता हूँ। आपको रेड एक स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा, ठीक है। देन यहाँ पे दो और कलर लेते हैं अपन, ठीक है, तो टोटल 5 हो जाएंगे। मुझे पसंद आता है एक ये वाला कलर, एंड देन इसको भी कॉपी करके इसको एक स्ट्रिंग में डाल देता हूँ, ओके। एंड एक और कलर ले लेता हूँ कोई साथ फंसा, जो कि अपना होगा पिंक, ये वाला, ओके। पिंक कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, ओके। तो अपन पिंक ले लेंगे, तो कुल मिला के थे 5 कलर हो गए। अपन इन्हीं कलर को होवर करेंगे अपन किसी भी वो बॉक्स पे, तो ये कलर आ जाना चाहिए, ठीक है। अपना मेन ये है एनिमेशन टाइप का कुछ, ठीक है। और अपन यहाँ पे कॉन्स्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट स्क्वायर्स, तो छोटे छोटे जो बक्से है वो होना चाहिए, SQUARES स्क्वायर्स। अपने लिखा यहाँ पे 500, इसकी अपने साइज डालते हैं कि कितने स्क्वायर्स होना चाहिए। 500 अपन ने यहाँ पे हो जाएगा। चलो अपन एक बनाए थे फॉर, जिसके अंदर अपन ने लेट आई इक्वल्स टू 0 एंड आई इज मोर देन एंड देन आई प्लस प्लस। अपन सिंपली करिए रहे कि एक 400 पिक्सल के अंदर अपन 500 समथिंग बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा कॉन्स्ट पर एसक्यू इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ये हो जाएगा आपका। अपन बना रहे डिव, और अपन ने स्क्वायर में डाला चाइल्ड लिस्ट, मतलब चाइल्ड नेम भी डाल सकते हो, चाइल्ड लिस्ट डाला अपन ने, सॉरी क्लास लिस्ट डाला अपन ने। डॉट एड अपन ने इसका नेम ऐड किया, क्या नेम ऐड किया, एसक्यू, मतलब सिंपली अपन ने क्लास लिस्ट से अपन इसका जो क्लास नेम है वो अपने डाल दिया है एसक्यू, ठीक है। अपन सेम चीज एसक्यू को लेंगे, ठीक है, ताकि अपन यहाँ पे स्टाइलिंग में जब अपन इसको स्टाइलिंग दे तो अपन एसक्यू के थ्रू अपन इसको स्टाइलिंग दे सके, ठीक है। तो अपने एसक्यू दिया डॉट एड इवेंट लिस्नर,
डॉट नहीं लगाया मैंने, डॉट लगा देते हैं, डॉट एड इवेंट लिसनर। जैसे अपन इस पे माउस करें, मतलब माउस ओवर करें ना, माउस ओवर करने पे आपका एक इवेंट रन हो जिसमें अपना जो कलर है वो सेट होके, कलर चेंज होके आपका कलर में कन्वर्ट हो जाए। कुछ गलत कर दिया मैंने, सेट कलर एसक्यू। सेम चीज आपको करना रिमूव कलर के लिए, एच यू डॉट एड इवेंट लिसनर, माउस आउट पे, यूएस माउस आउट पे आपको करना है एक एड इवेंट लिसनर सेम टाइप का, सेट कलर सॉरी रिमूव कलर, रिमूव कलर एंड एसक्यू। ठीक है, अपने दो फंक्शन क्रिएट तो कर ली है, बट अपन को सॉरी अपने दो फंक्शन डिफाइन नहीं करे अभी, सॉरी डिफाइन कर दिया अपने, क्रिएट नहीं करे। ठीक है, तब इसको क्रिएट भी कर लेंगे। उससे पहले मैं कंटेनर में दोनों चीज को इनपुट, सॉरी जो अपना स्क्वायर बना अपन ने, अपन कंटेनर के अंदर डाल देंगे। ठीक है, कंटेनर डॉट अपन चाइल्ड, यहाँ पे देगा अपने स्क्वायर। अपने जो सेट कलर नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया है, अभी देख रहे थे अपना यूआई किस टाइप से दिख रहा है। ठीक है, तो इस पे तो कुछ इफेक्ट आया नहीं है। हाँ, तो वापस अपन कोड की तरफ मूव करते हैं। तो अपने कोड में अपन को फंक्शन बनाना था सेट कलर नाम से, सेट कलर को लिया अपन ने फंक्शन सेट कलर, और ये अपना एक एलिमेंट लेगा। ठीक है, और कॉन्स्ट कलर इज इक्वल्स टू गेट रैंडम आर ए एन डी ओ एम कलर। अब रैंडम कलर ये पिक कर लेगा, अभी पिक कैमरे से करेगा अपना, बता रहा हूँ मैं। अपन ने एलिमेंट लिया था एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, ये सी के जी आर ओ यूएनडी बैकग्राउंड, ये जो होना चाहिए अपना कलर की हो जाना चाहिए। ओके, एंड अपना ई एल डॉट स्टाइल डॉट बॉक्स शेडो एस एच ए डी ओ डब्ल्यू शेडो हो जाना चाहिए अपना। कुछ इस टाइप से 0 0 पिक्सल, ये अपना जाना चाहिए। जो इसका कलर लिया है अपन ने कलर, एंड देन 0 0 10 पिक्सल, एंड देन कलर 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 सी ओ एल ओ आर। आप सोच रहे होंगे मैंने क्या लिखा हुआ है 0 0, तो एक्चुअल में ये आपका कितनी ये है, मतलब कितने पिक्सल तक जाना चाहिए और कौन सा कलर होना चाहिए, ये आपका एक्स एक्सिस के लिए रहता है, ये वाई एक्सिस के लिए रहता है। ठीक है, और यही सेम चीज़ ये आपका जो स्टार्टिंग में इतना जो लिखा हुआ है ये आपका रहता है टॉप और बॉटम के लिए, और ये जो इतना रहता है ये आपका रहता है लेफ्ट और राइट के लिए। ठीक है, इस टाइप से अपन शेडो देते हैं। अपन ने सेट कलर के लिए बना लिए, अपन रिमूव कलर के लिए बनाएंगे फंक्शन डॉट रिमूव कलर, एंड देन यहाँ पे अपन सेम एलिमेंट ले रहे हैं, यहाँ पे अपन ने फंक्शन बनाया। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, सेम चीज करना है, स्टाइलिंग करना है कलर को, जो अपना कलर है वो चेंज होके अपना वनडी 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 चाहिए, और बॉक्स शेडो भी ज्यादा कुछ होना ही चाहिए, खत्म करके अपन हैश करेंगे। ठीक है, यदि आप इसको सिर्फ सिंगल चीज रख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि ये सब पे अप्लाई होगी, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब पे। यदि आप दो रख रहे हो, मतलब आपने एक यहाँ रख दिया और दूसरा यहाँ पे रख दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो स्टार्टिंग वाला है वो आपका टॉप और बॉटम के लिए, और जो सेकंड वाला रहता है ये आपका लेफ्ट राइट के लिए। यदि आप चारों के लिए देना चाहते हो अलग अलग, तो आप फर्स्ट फिर सेकंड
सिर्फ कॉमा लगा के थर्ड के लिए भी लिख सकते हो, कॉमा लगा के फोर्थ के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड अपना रैंडम कलर, अपन ने यहाँ पे रैंडम कलर यूज़ किया था कहीं पे, ये रहा गेट रैंडम कलर, ठीक है। अब इसके लिए भी फंक्शन बन लेते अपन, जो अपना गेट रैंडम कलर आएगा ये आपका, अपन ने जो यहाँ पे कलर्स बना के रखे हैं इन्हीं में से कोई एक कलर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अपन इसको रिटर्न कर देते हैं, जब भी कॉल हो तो अपने कलर्स बनाए हैं, ठीक है, उसमें से मैथ डॉट फ्लोर, जब का मैथ आएगा डॉट रैंडम, अपन कुछ भी चीज़ रैंडम कोई सा भी ले देंगे, इनटू कलर डॉट लेंथ, अब कलर्स आएगा COLORS कलर्स डॉट लेंथ LENGTH। एक तो वर्क करेगा नहीं कर रहा, अभी भी कुछ वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। ये वर्क इसे नहीं करेगा कि अपने अभी इसकी बाकी की जो बची हुई CSS है वो अपन ने नहीं लिखी है, ठीक है। तो बाकी की जो बची हुई CSS है वो अपन लिख लेते हैं, जैसे अपना स्क्वायर बच गया, अपन स्क्वायर को कुछ स्टाइलिंग नहीं दिए, इसका अपन बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं 1D 1D 1D, एंड देन अब बॉक्स शेडो अब भी अपन चेंज करके 0 0 2 पिक्सल, जो अपन ने यहाँ डाला है यहाँ पे स्क्रिप्ट में 0 0 2 पिक्सल, सेम अपन डाल देंगे यहीं पर ही, ठीक है। अपन हाइट डाल देते हैं 16 पिक्सल, अपन वेट रख देते हैं 16 पिक्सल, ओके। एंड इसके मार्जिन रख देंगे ताकि कितना दूर रहे हर एक एलिमेंट से, मतलब जो भी एलिमेंट आप बना रहे हो वो स्पेसिंग कह सकते हैं एक दूसरे की, तो अपन मार्जिन 2 पिक्सल रख देंगे, ठीक है। और इस पर अपन थोड़ा सा इफेक्ट रख देंगे, तो अपन ट्रांजिशन यूज करके इसमें 2 सेकेंड से ईज कर देंगे, ईज मतलब कितने टाइम बाद वो जा रहा है। अब यूआई में देख रहे थे कुछ अंतर आया कि नहीं आया, कुछ अंतर नहीं आया, ठीक है। तो अपन करना क्या होगा, इसमें थोड़ा सा एक और डालना होगा जिस पे आप वो ओवर करो, ठीक है। डॉट क्यू पे यदि आप ओवर करते हो, ओवर करते हो तो आपका फंक्शन ड्यूरेशन ये हो जाना चाहिए आपका 0 सेकेंड, क्या लिखो आपने 23 24 पे, स्क्रिप्ट में अपन ने कुछ एक ज़्यादा लगा दिया 23 24, अच्छा अपन ने कॉल नहीं किया इसको, देखो इस टाइप से दिख रहा है ये अपन ने बनाया एक्चुअल में, कि अपन जैसे इस पे होवर करे कहीं पे भी तो ये जो है इस टाइप से कलर शो कर देना चाहिए, ठीक है। और जो कलर अपन ने सिलेक्ट करे उसी में से आ रहा है, लाइक आप देख रहे होंगे पिंक आ रहा है, एक स्काई ब्लू आ रहा है, एक आपका रेड आ रहा है इस टाइप से, ठीक है। तो यही अपना आज का प्रोजेक्ट है, लाइक अपन ने 2 प्रोजेक्ट बना दिए, एक ड्राइंग ऐप जिस पे आप कुछ भी चीज़ करते हो तो आप ड्रॉ कर सकते हो, एंड देन अपना होवर ऐप, ठीक है। जो भी आप होवर करोगे तो ये चेंज होना चाहिए इसका कलर, ये रैंडम कलर्स आ रहा है, ठीक है। किसमें से जो अपन ने इनपुट करे कलर्स उसी में से आ रहा है ये, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे और कलर ऐड कर सकते हो यदि आपको और मल्टीपल कलर्स चाहिए हो तो, यदि आप सिंगल कलर भी चाहते हो